हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ विजय एंड आई होप यू कैज डूइंग एब्सुलुटली फाइन तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब किसी कंपनी ने एक रिटर्न पे ये मैंशन कर दिया है कि उसके जितने भी इम्प्लॉयज अगर रिटर्न टू ऑफिस मैंडेड को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑबियसलीव टू फेस दिस स्ट्रिक्टवेंसेज और दे माइट के टर्मिनेटेड एज वेल सो दिस टर्मिनेशन वाला वर्ड इज देयर ऑन द ई मेल Uh, तो यस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा अगर आपने रिसेंट का न्यूज़ uh, वगैरह फॉलो करा है तो तो यस कॉग्निजेंट हैज़ डन इट कॉग्निजेंट ने मतलब टी सी से भी दो कदम आगे आगे uh, आ गई है एंड ओनली टाइम विल टेल इससे बाकी कंपनी कैस किस तरीके से ले रही है और मे बी बाकी कंपनी को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनी अगर ऐसे कुछ बोल रही है तो डेफिनेटली इवन दे कैन डू इट तो ओनली टाइम कंटेल कैसे कैसे क्या इम्पैक्ट होगा इसका तो अभी उस कागनीजेंट uh, के इस ई के बारे में और थोड़ा बहुत uh, जितना भी uh, मैं एनालाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से उस हिसाब से बताऊँगा आई एम sure श्योर आप लोग इंटरेस्टिंग लगेगा तो डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड तो यस yes, सर uh, जैसे मैंने आपको बताया कॉग्निजेंट ने एक ई मेल भेजी है रिसेंटली uh, अपने इंप्लॉयज़ uh, को जिस पे मेंशन करा करा है कि यार आप लोग जितने भी जो नहीं आ रहे हो आपको आना पड़ेगा और रिसेंटली फेबररी फेबररी में ही कॉग ने मैंडेट किया था थ्री डेज अ वीक आपको ऑफिस आना पड़ेगा और तो अगर जो भी नहीं आ रहे हैं आई एम श्योर दे माइट हैव है दे मस्ट है क्या एम्प्लॉज राइट जो नहीं आ रहे हैं। तो ये ईमेल उन इम्प्लॉज को टारगेट करती है कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो बी रेडी टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज एंड इवन द टर्मिनेशन कैन कम इंट टू पिक्चर और दैट द कॉग्निजेंट इज वेरी क्लियरली मेनसेंट ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्जैक्टली वो वर्डिंग क्या है उस ई मेल में आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा तो इट सेज दैट प्लीज बी अवेयर दैट

उन्होंने भी ये चीज बोला है कि लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको बताता हूँ सो so, उन्होंने क्या बोला है कि दिस मैंडेट राइट दैट इज थ्री डेज अ वीक वाला मैंडेट इज फॉर इंडियन एम्प्लॉयज राइट और ये जो ई है दैट इज ओनली फॉर द इंडियन एम्प्लॉयजली जितने भी कॉगने में बेस्ड हैं उनके लिए है ये मैंडेट राइट right. और उन्होंने एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बोला है कि सी ऑल द एसोसिएट्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस फॉर एन एवरेज ऑफ थ्री थ्री डेज पर वीक एज डिटरमाइंड बाय देयर टीम लीडर इस चीज़ का आप ध्यान रखना एज डिटरमाइंड बाय देयर टीम लीडर सो वॉट आई अज्यूम इज लाइक ऐसे नहीं है कि uh, जैसे बाकी कंपनीज में है राइट टीसीस की बात अभी बाद में करेंगे टीसी तो वैसे भी पाँच दिन का ही है इन, 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 इनका तो बाकी कंपनी में क्या है कि चलो आपको तीन दिन आना है तो यू कैन चूज योर सेल्फ राइट आपको किस किस दिन आना है, किस किस दिन आना है क्योंकि आपको महीने में इतना आपका ऑफिस आर का आपका वो जो कोटा है वो आपको पूरा करना है लेकिन यहाँ पे सी ने ये बोला है कि एज डिटरमाइंड बाय देयर टीम लीड सो आई एम श्योर यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी टीम लीड डू दैट रोस्टरिंग टाइप ऑफ थिंग राइट इस बंदे को यहाँ इस दिन आना है या इसको इस दिन आना है उस हिसाब से आई एम श्योर टीम लीड वुड बी द वन हु वुड बी टेकिंग दैट डिसीजन एंड अगर एंड यू हैव टू फॉलो इट आई आई डोंट थिंक इज मच ऑप्शन राइट हाँ ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन योर टीम लीडर राइट आप कैसे नेगोशिएट करते हो बट देन इन नॉर्मल टीम लीडर जो बोलेगा आपको इस दिन आना है आपको आना पड़ेगा दैट इज़ आई वाडाइज सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इससे पहले मैंने क, uh, किसी भी कंपनी uh, की तरफ से ऐसा नहीं ऐसा करके मैंने नहीं देखा और और ये वर्ड आ भी रहा है किससे तो डायरेक्ट सी uh, से राइट right? और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि दिस पॉलिसी इज ओनली फॉर एसोसिएट्स इन इंडिया राइट अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि देखो दिस सी ओ राइट ही रिसेंटली गॉट दिस पोजिशन नाउ अब जो मैंटेलिटी है यहाँ पे राइट आई एम लाइक बींग एन इंडियन व्हाट दिस गाई हैज़ डन दिस गाई हैज यू नो मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर इंडियन पीपल ओनली राइट और क्यों जस्ट बिकॉज ही नीड्स टू यू नो जस्टिफाई हीज पोजिशन ही हैज टू शो समथिंग दैट वट 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 एक्स्ट्रा आई हैट इज डन अपने इम्प्लॉज को अपने अपने लोगों को ही भाई चलो यार अब तुम्हारे लिए मैंने स्ट्रिक्ट रूल बना दिया राइट right? यार तो आपको वाई वाई द इज ओनली फॉर फॉर एसोसिएट्स इन इंडिया आई डोंट अंडरस्टैंड और uh, ये खुले में देखो अपना इंडियन लोगों का मेंटेलिटी शो करता है राइट right? और uh, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ दिस इज माई पर्सनल व्यू आई एम श्योर इट्स नॉट नेसेसरी दैट यूल हैव टू यू नो अग्री विद मी यू कैन डिस अग्री एंड इट्स टोटली फाइन ये अपने अपने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आता है सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू सो आई मीन लाइक फॉर अ इंडियन सी ई राइट मेकिंग दिस थिंग मैंडेटरी फॉर ओनली फॉर इंडियन एसोसिएट्स या तो या तो आप पूरे लोकेशन के लिए कर दो राइट या तो पूरा कांग्रेस इनका पॉलिसी कर दो राइट क्यों ये सिर्फ इंडिया लोगों के लिए ही आई डोंट अंडरस्टैंड और ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है भी नहीं राइट तो अब बद जो है सो है और बस और ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है इंडियन लोग इन सेंस जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं उनके लिए ये ईमेल है कि भाई आप लोग आओ नहीं आओगे तो भाई आप नौकरी नौकरी से हाथ धो सकते हो ठीक है और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सो तो कांग्रेस में तकरीबन थ्री पॉइंट फाइव लाख एम्प्लॉज है टोटल उसमें से